नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी का थ्रू मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर व्यू दे शेयर करता हूँ, फाइल शेयर करता हूँ। तो उसको आज का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मतलब क्या क्या बाय सेल लेवल मैच किया है और कैसे प्रॉफिट हुआ है, तो आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए ताकि इसका इफेक्टिवनेस कैसे काम करता है, कितना इफेक्टिवली काम करता है वो आप लोग को पता चल जाएगा। और सेकेंडली कैसे इसको यूज़ करना है वो भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने रेगुलर बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का डायरेक्शन और बाय सेल लेवल रिकमेंडेशन ये फाइल का थ्रू मैं स्क्रीनिंग करके देता हूँ। स्टॉक्स, इक्विटी, कमोडिटी, निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का और नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज मैंने लगा के रखा हूँ जो मार्केट से आप लोग को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दिला सकता है। और कुछ एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस भी बहुत सारा चीज़ है, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स, हाउ पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, बहुत सारा स्ट्रैटेजीज जो मार्केट से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरत होता है, तो वो आप लोग को मिल जाएगा। तो वीडियो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। और देखिए, मैंने ये जो बाई सेल लेवल से कम सिग्नल मानता हूँ, मैंने मेरा अगला वीडियो देख लीजिए कैसे स्किन करना है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या नहीं है, मैंने इन शॉर्ट बोल रहा हूँ। इसमें बाई सेल लेवल, बाई सेल लेवल कम स्किनर वन में बाई सेल लेवल वन, बाई सेल लेवल टू और बाई सेल लेवल थ्री रहता है और बहुत सारा स्किनर का चीज़ रहता है, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बहुत सारा ईएमए का क्रॉस ओवर, 10, 25, 30 और 5, 8, 13, 12, 16, 9 बहुत सारा 20, 5, 34 ये सब बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, इसी में कुक आउट, एंटीनल लेवल, सब ये सब देख के आप लोग बहुत अच्छी तरह से स्क्रीनिंग कर सकता है। उसके बाद बाय सेल लेवल देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही आसानी से मार्केट, मतलब आप लोग का काम बहुत ही आसान हो जाएगा और मार्केट से आप लोग प्रॉफिट कमा सकता है। और इसमें बाय सेल लेवल कम स्किनर में बाय सेल लेवल टू रहता है, जिसमें बाय सेल लेवल थ्री है, उसका अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में साइड में मैंने बाय सेल लेवल रखा है। और बाय सेल अप ट्रेंड में बाई होगा तो अप ट्रेंड और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड और भी नीचे जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड रिट्रेस होकर नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, इसमें आप लोग को पता चल जाएगा। और जो क्रॉस ओवर है उसके बाद वो स्क्रीनिंग करके आप लोग बाय सेल लेवल देखना है और कौन सा लेवल कौन सा है वो भी आप लोग को इस पोर्शन से दिख जाएगा। तो यह और बाय सेल लेवल थ्री फाइल को मैंने अलग से बनाया है, उसमें कुछ स्किनर का इंतजाम रखा है और जो है सेम है। तो ये है थोड़ा क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है, मैंने शॉर्टली बता दिया। तो आप लोग इसको मेरा पहले वाला वीडियो जो है वो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए आज का परफॉर्मेंस मैंने देखता हूँ, सोच लीजिए कुछ भी स्टॉक्स चुन लेता हूँ, सोच लीजिए इसी को एक बार देख लेता है। ये देखिए 1267 इसका हाई हुआ है, इसका देखिए मैंने बाई का जगह जो करंट हाई है, करंट हाई है उससे मैंने बाई का लेवल जो है वो ग्रेटर है, मतलब प्रॉफिट हुआ है। और करंट लो जो है उससे मेरा बाई का लेवल, सॉरी बाई का लेवल नीचे रहेगा तो ये सेल का लेवल नीचे रहेगा तो ये मतलब इसमें प्रॉफिट हुआ है, ये आप लोग को पता चल जाएगा। तो एक बार इसको देख लेता है। देखिए बाय सेल लेवल में जो ये आया है एसीसी का, मैंने फर्स्ट स्टॉक्स को तो चुन देखता हूँ, इसका बाय लेवल था 1459 और इसका हाई आज गया है 1467 और सेल का लेवल गया है 1449। सेल में मैंने चार्ट में देख लेता हूँ, चार्ट में देख लेता है कैसे प्रॉफिट हुआ है 65 में, तो 1467 तो इसका सेल लेवल था
और बाय सेल लेवल 4 में जो 3 में जो फाइल था उसमें देख लेते हैं कौन सा लेवल पे ये था, ये 1444 के नीचे और बाय सेल लेवल 1 में 1419 के नीचे। आप लोग किसी भी में एक में ट्रेड कर सकता है, बाय सेल लेवल 1 2 और 3 किसी भी ट्रेड कर सकता है। तो 1449 के लिए ये उसके बाद ये 1426 तक नीचे आया था, तो इसमें आप लोग देख सकता है। उसके बाद मैंने और भी स्टॉक्स देख लेता हूँ, मैंने एक दो स्टॉक्स अच्छी तरह से तो आप लोग को उसमें से पता चल जाएगा। सोच लीजिए इधर बजाज फिनांस का देखता हूँ, 4087 इसका हाई है और लो है 4031। ये वैसे लेवल 1 में दोनों साइड दिखाता है, देखते हैं कहाँ पर ये लेवल है, कहाँ पर इसका लेवल है देख लेता है एक बार। तो इधर बजाज फिनांस का 4074 में इसका बाई लेवल था और 4062 में इसका सेल लेवल था। तो बजाज सिम सर को एक बार देख लेता है, बजाज फिन सर ऑलरेडी है और इधर चार्ट में भी ओपन करता हूँ, तो इधर 9250 के ऊपर ये ओपन हुआ है। 9250 में ओपन होने के बाद ये ऊपर गया है 9300 तक। तो देखते हैं इसका बाई लेवल कहाँ पर था, बाई लेवल था 940 सॉरी बजाज फिनांस, मैंने क्या कहा है, हाँ बजाज फिनांस 9228 के ऊपर इसका था, तो ओपनिंग हुआ था ये 9250। तो इसमें आप लोग को नेक्स्ट लेवल देखना है, नेक्स्ट लेवल देखना है कौन सा लेवल पे आप लोग एंट्री ले सकते थे। 9250 के ऊपर मतलब ये आप लोग इधर 9255 के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे। तो इधर एंट्री लेने के बाद आप लोग को 9296 तक 9300 तक एक्चुअली हाई हुआ है, तो 9255 से आप लोग को प्रॉफिट आ जाता था। सेल का सेल साइड में इसका 9194 का नीचे था, सेल साइड में इसका ये 9194 ये 9150 तक नीचे आया है। तो देखते हैं ये आया क्या नहीं, 9194 से नीचे 9194 से नीचे 9194 नीचे तो आना चाहिए इसका। अच्छा पहले इसका ये बड़ा कैंडल दिया था, तो इसमें इधर आप लोग को नीचे एंट्री लेने का मौका नहीं मिलता था। तो अप ट्रेंड में ही आप लोग को एंट्री लेने चाहिए था और उधर आप लोग को प्रॉफिट हुआ हो गया था। तो और भी देखा था है स्टॉक, और भी देख लेता हूँ। सोच लीजिए ब्रिटानिया 3087 और 3042 हाई और लो हुआ है दोनों साइड में। तो इधर आप लोग ब्रिटानिया में 3070 में आप लोग को एंट्री है, एंट्री लेवल था ब्रिटानिया ऑलरेडी है कहाँ पर है इधर 3059 में ओपन हुआ था। तो इसका चार्ट एक बार देख लेते हैं, 3059 में ओपन होने के बाद ये 3086 इधर दिखा रहा है, मतलब इधर 3087 ही पकड़ लेते हैं। हेलो 59 में ओपन हुआ था, तो बाई लेवल कहाँ पर था 3070 और ये ओपन हुआ था 3059 से। तो 3070 के ऊपर आप लोग एंट्री ले 3086 तक आप लोग को मिल जाता था। और सेल साइड में देखता है, सेल साइड में इधर 3055 के नीचे आप लोग सेल का एंट्री ले सकते थे। 3055 इधर यहाँ इस कैंडल में 3055 आया है, तो उसके बाद ये नीचे आया है 3045 42। तो इसे आप लोग को निफ्टी का दिखा देने का कोशिश करता हूँ, टाइम मिलेगा क्या नहीं है देखते हैं एक बार, नहीं मिलेगा शायद। देखिए आप लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एंट्री पर, बैंक निफ्टी का एंट्री, बाइल का एंट्री पॉइंट था 32,000।